भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती है, जिसको लेकर पूरे बिहार में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस दौरान अररिया जिला प्रशासन ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया है। एसडीओ कार्यालय के सामने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर डीएम इनायत खान और एसपी अशोक कुमार सिंह समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग बाबा साहब को सादर नमन करते हैं और ऐसी आशा करते हैं कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चले वो प्रेरणादायक है, ना सिर्फ राष्ट्र निर्माण के लिए बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी एक आदर्श के रूप में सभी के लिए वो हैं, इसलिए हम उन्हें श्रद्धांजलि के साथ साथ नमन भी करते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती है, जिसके अवसर पर हम लोग यहाँ समारोह में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। उनके द्वारा बताए गए मार्गों का अनुसरण कर हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। जनता हमारे जिले की जनता से हमें अपील है कि उनके बताए हुए मार्गों पे चलें। उधर पूर्णिया में भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई है। इस मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, महापौर विभा कुमारी समेत कई जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और छात्रों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्पांजलि दी। इस मौके पर शहर में प्रभात फेरी भी निकाली गई। इस मौके पर मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विश्व के सबसे विशाल संविधान की रचना की है और उन्होंने छुआछूत और भेदभाव पर कड़ा प्रहार किया है। देखिए, वैसे महापुरुष का आज हम सब लोग जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने हमें संविधान दिया, एक जीने का रास्ता दिया। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ऐसे महापुरुष थे जो चाहते थे कि समाज में सभी मानव जाति समान रूप से सभी का आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक हर स्तर पर सभी लोग बराबर, और सबसे बड़ी बात की वो शिक्षा चाहते थे कि हर एक व्यक्ति को शिक्षित हो, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। जो हमारे वीकर सेक्शन थे उस समय की जो परिवेश था, छुआछूत समाज में था, उसको समाप्त करने का उन्होंने प्रयास किया और महिलाओं के नर नारी की समानता की बात भी वो करते थे और नारी के शिक्षा के लिए भी उनका जोर था कि पुरुषों की तरह महिलाओं को भी शिक्षित होना चाहिए और दोनों का समान रूप से विकास। तो वैसे महापुरुष जिन्होंने हमें सब चीज दिया, संविधान दिया, वैसे महापुरुष का आज हम सब लोग जयंती मना रहे हैं, हम सब लोग गौरवान्वित हैं। आज बैद्यनाथ कल्याण छात्रावास में डॉक्टर अंबेडकर साहब की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम से हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाई जा रही है। ऐसे महापुरुष के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमें देश का संविधान दिया और हम सभी को जीने का तरीका दिया, मैं ऐसे महापुरुष को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। और डॉक्टर अंबेडकर साहब हमेशा मतलब ऊंच नीच जो भी जाती है उनमें ये क्या कहते हैं ऊंची नीची जाति का घोर विरोधी थे। वे कहते थे कि समाज में जितनी भी मानव जाति है सभी एक समान है, छुआछूत के भी वे घोर विरोधी थे, अंधविश्वास के घोर विरोधी थे। उनकी ये आर्थिक हो, शिक्षा हो, जो भी हो, मतलब सभी के लिए एक समान होना चाहिए और शिक्षा पे महिलाओं के हित के लिए भी हमेशा हितैषी में रहते थे और जितना शिक्षा हमारे पुरुष के लिए जरूरी है उतना ही हमारे महिलाओं के लिए भी जरूरी है और वे चाहते थे कि जितना अधिकार पुरुष को मिल रहा है उतना ही अधिकार महिलाओं को भी मिले।